तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके सब्जेक्ट शैक्षिक प्रशासन प्रबंधन एवं पर्यावरण शिक्षा, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन के एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न के बारे में, जो अक्सर पूछा जाता है कि समय सारणी से आप क्या समझते हैं, इस पर प्रकाश डालिए, इसके अर्थ की विवेचना करिए। और मोस्टली ये पूछा जाता है कि इस समय सारणी निर्माण के सिद्धांत क्या हैं और समय सारणी का क्या उपयोग है। तो इस प्रकार से एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है, हो सकता है इस बार भी पूछा जाए। तो देखिए, समय सारणी के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन बात जब लिखने की हो तो कैसे शब्दों में लिखना है, इसको थोड़ा सा समझ जाते हैं आसान भाषा में। तो देखिए, समय सारणी क्या होता है? समय सारणी वह सारणी होता है जिसके आधार पर आपके स्कूल के, आपके कॉलेज के संपूर्ण क्रियाकलाप, जो भी चीज़ें, क्लासेस हो, इंटरवल हो, प्रेयर्स हो, कब छुट्टी होना है, ये सारी चीज़ें आपके टाइम टेबल पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो समयबद्ध सारणी जिसके आधार पर स्कूल की सारी क्रियाएं चलती हैं, वही तो समय सारणी कहलाती हैं। बस इसी चीज को शब्दों में इस प्रकार लिखिए कि समय सारणी विद्यालय के दैनिक कार्यों की वह योजना है जिसके अनुसार विद्यालय की समस्त गतिविधियां संचालित होती हैं। अब इसके अनुसार विभिन्न कक्षाओं के विषयों और कलांशों में शिक्षण कार्य संचालित होता है व छात्र सह शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। समय सारणी को समय तालिका, समय विभाग चक्र एवं समय प्रबंधन के नाम से भी जाना जाता है। कहने की बात यही है कि इस विद्यालय के दैनिक कार्यों की योजना संचालन करने की योजना ही क्या कहलाती है? समय सारणी कहलाती है। और इसमें क्या होता है? हर एक क्लास अपने समय के अनुसार चलता है। अब थोड़ा सा आपको इस पर और पॉइंट डालना पड़ेगा कि समय सारणी से क्या होता है कि इससे समय व श्रम का सदुपयोग होता है तथा विद्यालय के समस्त कार्य व्यवस्थित एवं अबाधित गति से चलते रहते हैं। और समय सारणी समय प्रबंधन के द्वारा हम यह जान लेते हैं कि विद्यालय में किस दिन, किस समय, किस कक्षा के द्वारा तथा किसके नेतृत्व में कौन सी क्रिया संचालित होती है। हम समझ जाएंगे कि अभी कौन सा व्यक्ति, कौन सा शिक्षक कहाँ पे क्या पढ़ा रहा है, ये सब किसके द्वारा होगा? समय सारणी के द्वारा। ठीक है, अब समय सारणी के समन्वय एवं अर्थ को हम निम्नलिखित परिभाषा से समझ सकते हैं। अब आइए देखने कि विद्वानों ने इसको परिभाषित कैसे किया। तो आप यहाँ तक तो समझ गए ना कि स्कूल में दैनिक कार्य कैसे चलाना है, इसकी योजना बनाना ही समय सारणी कहलाता है। और आप ये भी समझ सके होंगे कि समय सारणी से क्या होता है, श्रम बचता है, समय का सदुपयोग होता है और शिक्षक को बराबर तौर पे कार्य विभाजित किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी परिभाषा की। तो परिभाषा कैसे कि लोगों ने दिया, बिल्कुल उसी तरह से इन्होंने परिभाषित भी किया। जैसे अगर हम बात करें HG स्टेड के अनुसार, तो इन्होंने देखिए कैसे परिभाषित किया कि विद्यालय की जिस योजना, तालिका या चार्ट के अनुसार प्रतिदिन के निर्धारित समय को विभिन्न विषयों, क्रियाओं एवं कक्षाओं के बीच प्रदर्शित किया जाता है या दर्शाया जाता है, समय सारणी कहलाता है। मतलब वह योजना या तालिका या चार्ट जो यह दर्शाता है कि प्रतिदिन कौन से कार्य किस समय पे होंगे, कौन से विषय का होंगे, वही योजना, वही चार्ट, वही तालिका क्या कहलाती है? समय सारणी कहलाती है HG स्टेट के अनुसार। अब आइए पिटमैन ने क्या कहा। पिटमैन ने थोड़ा सा इसको और बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि सुव्यवस्थित समय सारणी, उन्होंने कहा कि सुव्यवस्थित समय सारणी सुव्यवस्थित मस्तिष्क की उपज है। यानी कि समय सारणी बनाना भी एक आसान कार्य नहीं है, इसके लिए क्या चाहिए? सुव्यवस्थित आपका मस्तिष्क चाहिए। अब ये देखिए, डॉक्टर SN मुखर्जी ने कहा कि समय सारणी वह दर्पण है जिसमें विद्यालय के समस्त कार्यक्रम को का प्रतिबिंबित होता है। ये बहुत अच्छा इन्होंने डेफिनेशन दिया कि समय सारणी वह दर्पण है जिससे विद्यालय के समस्त कार्यक्रम प्रतिबिंबित होते हैं, मतलब हमें समझ आता है, दिखाई देता है। टंडन एवं त्रिपाठी जी ने कहा वह योजना अथवा तालिका जिसमें विद्यालय के दैनिक क्रियाओं, विषयों, कक्षाओं एवं समय विभाजन दर्शाया जाता, समय सारणी कहलाता है। कहने का एक मोटा मोटी तौर पर यही है कि वह योजना कह लीजिए, वह तालिका कह लीजिए, वह चार्ट कह लीजिए, जो हमें यह बताता हो कि कक्षा में प्रतिदिन पूरे दिन क्या चलना है और किस समय पे कैसे चलना है, पूरे कार्य का विभाजन करने वाली समय सारणी क्या कहलाती है? समय सारणी कहलाती है। अब इतना समझ गए कि आपको कैसे लिखना है, तो आगे की सारी चीज़ें आप स्वयं से लिख सकते हैं। कि जैसे कि मैं अगर आपसे कहूँ कि समय सारणी की उपयोगिता और महत्व, तो दोस्तों उपयोगिता और महत्व क्या ये बताने की जरूरत है कि समय सारणी से विद्यालय में कौन से कार्यक्रम होंगे इसका ज्ञान हो जाता है, निरीक्षण की सुविधा हो जाती है। अगर आपको निरीक्षण करना है कि कौन से टीचर कहाँ है, तो आप समझ सकते हैं।
कार्य वितरण में समानता होती है। ऐसा नहीं कि एक टीचर के ऊपर ज्यादा कार्य समय सारणी से, ये भी होता है। और थकान एवं शिथिला में, थकान का मतलब जैसे कि कोई एक टीचर के ऊपर आप ज्यादा प्रेशर नहीं दे देंगे, ये समय सारणी से आप क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा नैतिक गुणों का भी विकास, समय एवं श्रम का सदुपयोग कर सकते हैं आप, कि आप जैसे इस समय लंच कर लीजिए, वरना कोई टीचर कभी लंच कर रहा है, कोई टीचर कभी लंच कर रहा है, कोई बच्चा कभी लंच कर रहा है, तो पूरा समय खराब हो जाएगा। इसीलिए आप समय सारणी बता दीजिए कि इस समय से इस समय के बीच लंच टाइम है, जिसको लंच करना है कर ले। कार्य कुशलता में वृद्धि होगी, ठीक है, जब हर काम समय से होगा, सबको काम बांट देंगे तो कार्य कुशलता में वृद्धि हो जाएगी, कार्य में नियमितता आ जाएगी, अनुशासन की स्थापना संभव हो सकती है समय सारणी के द्वारा, ठीक है। तो ये इसकी उपयोगिता आप स्वयं से लिख सकते हैं इस पॉइंट के आधार पर। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट हम प्रश्न इसमें देखने वाले हैं, वह प्रश्न है समय सारणी निर्माण के सिद्धांत। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि समय सारणी निबंध के निर्माण के सिद्धांत। सिद्धांत का मतलब, अगर हम आपसे कह दें कि एक समय सारणी बनाइए, तो आपको कौन कौन से नियमों को ध्यान में रखना है, किस सिद्धांत के आधार पर आप समय सारणी बना देंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए गर्मी का महीना है, उस समय क्लासेस चल रहे हैं, और आपने शुरू एक एक क्लासेस दो दो घंटे के रख दिए, तो बच्चे तो बिल्कुल गर्मी से परेशान हो जाए। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आपको समय सारणी का निर्माण करना है, और उनके निर्माण के सिद्धांत कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे कि विभागीय नियमों का पालन करना है। अब मान लीजिए कि हर एक राज्य में कुछ दिन ऐसा होता है जहाँ पे वो छुट्टी होती है, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे यूपी में एक दिन ऐसा है यहाँ पे छुट्टी है, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं हम इस दिन बच्चों को बुलाएंगे, तो ये सही नहीं है, आपको विभागीय नियमों को भी पालन करना है। दूसरा दोस्तों, शिक्षक को हितों में ध्यान रखना है, शिक्षक के हित में भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है, कि एक शिक्षक, अब आप मान लीजिए शुरू के लगातार चार पीरियड किसी एक ही टीचर को दे दें, वो बेचारा परेशान हो गया, तो इन सारे सिद्धांतों को ध्यान में रख के आप समय सारणी का निर्माण करेंगे। व्यापकता की बात करें, विभिन्नता का सिद्धांत और संसाधनों की उपलब्धता का भी सिद्धांत रखेंगे, कि आप ऐसा ना हो कि आपने एक ही समय पे दो क्लास को केमिस्ट्री लैब दे दिया, अब दोनों क्लास के बच्चे आपस में भिड़ गए, तो संसाधनों की उपलब्धता को भी ध्यान में रख के आपको क्या करना है, समय सारणी बनाना है। दोस्तों कुछ और पॉइंट देख लेते हैं, जैसे मौसम का भी ध्यान, मैंने कहा ना कि गर्मी जैसे समय सारणी निर्माण मौसम संबंधित तत्वों को भी ध्यान में रखना होता है। सामान्यतः यह स्वीकार किया जाता है कि ग्रीष्म ऋतु में कालांश छोटे होने चाहिए और शीत ऋतु में कालांश अपेक्षाकृत कुछ बड़े हो सकते हैं। ठंडियों में कालांश थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, दैट डजंट मैटर, लेकिन गर्मियों में आप थोड़ा सा कम रखेंगे। विषय की कठिनाई में कुछ विषय ऐसे होते हैं जो कठिन होते हैं, ठीक है, कुछ विषय ऐसे होते हैं जो सरल होते हैं, और बच्चे जैसे सुबह सुबह बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, थक, अब आप मैथ की पीरियड्स को सबसे लास्ट में रख दीजिए, ठीक है, अब बच्चे सुबह से शाम तक मैथ थके हुए हैं, फिर पता चले उन्हें मैथ समझ में नहीं है, तो इस प्रकार से आप समय सारणी का निर्माण करेंगे। दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करेंगे, क्योंकि इसमें पॉइंट्स और भी हैं, लेकिन आपको अपने बुद्धि विवेक से लिखना है, जैसे इसमें और भी पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन आपको अपने अनुसार इन पॉइंट्स के अंदर बना के लिखना है। दोस्तों एक छोटी सी वीडियो में मेरी कोशिश थी कि मैं आपको समझाऊँ कि समय के बारे में अगर आपसे प्रश्न पूछता है तो आप किस प्रकार से इसका उत्तर लिखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि समय सारणी के बारे में आपको कैसे उत्तर लिखना है। और दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे और भी वीडियोस जारी रहेंगी। लेकिन हाँ, आपको एक छोटा सा काम करना है, यह वीडियो आपको कैसी लगी इसका आप मुझे जानकारी कमेंट में दीजिए, ताकि उस आधार पर मैं और अच्छे वीडियोज़ बनाऊँगा। और प्लीज़ आप मुझे कुछ टॉपिक्स सजेस्ट कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं कि मैं कौन से टॉपिक पे वीडियोस बनाऊं, तो कमेंट में अपनी राय जरूर दे। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, सारे अपने क्लासमेट को जोड़ दीजिए चैनल पे, फिर हम एक साथ मिलकर पढ़ाई करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद जय भारत दोस्तों।